अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों की हाल चाल, उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज़-ओ-इमान च रखे। तो अज हफ्ते का दिन है, एक दोस्त बड़े प्यारे दोस्त ने अपने मामिया कलोनी तो कबूतर लै के आए ने चेक कराने वास्ते। तो मैं क्या दोस्तों ने थोड़ा शौक कराइए, ना दोस्तों का तारफ कराइए। बड़ी खुशी हुई आप आए। ये भाई इनके साथ आए हैं, और ये उस्ताद साबर साहब है, ये मेरे शागिर्द ने वालेकुम सलाम इनको उस्ताद किया हुआ है। माशाल्लाह बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं। तो बाकी दोस्तों को कबूतरों का शौक कराते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और साहब साहब शुक्रिया। अच्छा भैया आप जरा थोड़ा मेरे पीछे आ जाएं, हेल्प करो जरा। हाँ इस साइड पे दोस्तों टैडी कबूतर है, सखा तो थोड़ा जा वेट का भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नक थोड़ी खूबसूरत है। दरमियाना कह सकते हो, थोड़ा जहाँ वेट का ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा और जिसम का भी थोड़ा सखत है, मीडियम क्लास से आ जाता है। सब थोड़ा कैंची ताड़े पीछे भी उपर ये असं एक बार कटा है ऑप्शन वाला। अच्छा दिल करे रख लो, दिल करे ना रखो, यानी इस तरह का जो ज्यादा अच्छा है वह दस दी तुम गाइड करा इन चल होगा अच्छा कबूतर है। वो दोस्त आखें असल जो कबूतर का वेट वो मुलायमी हाथ आता है ना, वो मसल वगैरह वो फीलिंग ही लहर आती है। तो यह देखो ना दम यदा बदन अच्छी है, दम भी अच्छी है, और ये पर शेप भी अच्छी है, तिली भी अच्छी है। तो कुदरती अमल जो बदन मुलायम होगा तो फिर बाकी चीज़ ज़्यादा बाकी वैसे अच्छे हो जाते हैं। बड़ा बेहतर कबूतर है। हाँ जी ये दो पर कटने, ये को अच्छा उड़ान वाला काम लै सकते हो। दो पर एक पर ऑप्शन अपनी मर्जी है रखना या ना। हाँ जी नीला कबूतर आ गया, मजबूत बड़ा है ये भी, मीडियम लेकिन मजबूत बड़ा। ऐसे खूबसूरत कबूतर है जी नीला। पंजे बिस्के अच्छे हैं, मजबूत बड़ा है, बच्चे नहीं जाया करेगा, बच्चे जाया नहीं करेगा ये। हाँ मजबूत बड़ा, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मुलायम मादी मांगता है ये, तब जाके ये अच्छा काम करेगा। इसको मादी नहीं देगा। हाँ इसका एक बार काट देते हैं। ठीक है बेहतर कबूतर आ रहे हैं, इतने ज्यादा खराब नहीं है, बच्चे बुच्चे उड़ाने वाले ठीक हैं। ये भी लारा कबूतर लाल अंक का, रोशनी कम है ना इस वजह से थोड़ा सा ये इसका पारा। ये भी एक पर वाला अच्छा, बहुत हल्के भी नहीं आपके कबूतर, और लेकिन जो ए प्लस कैटेगरी होती है ना वो भी नहीं किया है, ये सबसे हल्का आया ये नहीं थी। ठीक हो गया। हाँ ये बदन का ज़्यादा ख़राब है, हाँ किसकी बड़ी खूबसूरत है लेकिन अच्छा नहीं है, छोड़ें ये भी अच्छा कबूतर है आपका।
ये बाकी जितने भी लाल आंखों वाले हैं ना जी, ये सबसे अच्छा है। इसकी आंख में चमक भी बड़ी है, बदन का भी मुलायम है, ये बेहतरीन कैटेगरी में है। इससे अच्छा काम आपका बनेगा। इसका पंजा देखना, आंख में शाइनिंग बड़ी जबरदस्त है। इसके भी दो पर कटेंगे। ये दूसरा कबूतर है जो एक कैटेगरी में आया। लगता है इसको पुराना, लेकिन ये भी अच्छा कबूतर है। फर्तीली का भी अच्छा है। ये इसकी धूम है और ये इसकी आँख। काफ़ी दोस्त सलाम कह रहे हैं मेरी तरफ, सब दोस्तों वालेकुम सलाम। क्योंकि जब वीडियो बन रही होती है तो फिर इतना फोकस नहीं होता, फिर कबूतरों पर फोकस होता है। ये पंजा कबूतर का, इसके भी दो पर कर देंगे। इसका बच्चा भी ज़ाया नहीं होगा, तो बड़ा अक्लमंद कबूतर है। टेडी कबूतर ये ज़्यादा खूबसूरत है। असल में टेडी कबूतरों में ज़्यादा खराबी आ गई है खूबसूरती के चक्करों में। जी जी, बस दरमियान में इसका भी एक पर काट देते हैं, ऑप्शन वाला ही है। मादी जी, बड़ी सुपर मादी है, ए प्लस कैटेगरी में है। इसका पर भी देखें कैसा आया स्ट्रेट, और कुंदा भी बड़ा शानदार, और बदन बड़ा लाजवाब है इसका। ये बड़ी शानदार मादी है जी। ये टेढ़ी मादी, कलर इसका थोड़ा सा लाइट है। अच्छी टेढ़ी मादी है जी। चलिए इसके तीन पर काटेंगे। ये बड़े अच्छे उड़ाएंगे, किसी भी कबूतर से लगाएंगे ना सर। ये इतना अच्छा नहीं है, ये दुमका भी खराब है, और ये सहर भी है कुंदा इसका, देखना बड़ा हार्ड है। जिसम का भी इतना अच्छा नहीं है। ये मोदी बिल्कुल है, ये बदन भी काफ़ी टाइट है। अच्छा अच्छा, तो गुजारा कर सकती है ना मोदियाँ होते ऑप्शन आते। चलो फिर भी एक बार ला देने, तो मोदियाँ अक्सर घट होंगे, तो इस वजह तो कोशिश करें थोड़ी जी लचक दे दी मोदियाँ। ये भी अच्छा कबूतर, अच्छा बच्चा उड़ाने वाला कबूतर। पर की शेप बड़ी अच्छी है इसकी, बहुत शानदार, मेरे फेवरेट पर है इसका। गोल्डन कबूतर, ये इसका पंजा है, ये बदन का भी अच्छा, इसके भी दो पर काटेंगे। ये भी एक कैटेगरी में आ गया। ये आगे जी रामपुरी, और ये सिर्फ खूबसूरत है। अच्छा, ये जो कैटेगरी है ना, ये खूबसूरत कैटेगरी, ये सेठ वाला कैटेगरी है। ये जो कबूतर है इसकी, ये देखे ना, ये ऊपर से पलकें भी खुल रही हैं, ये बच्चे भी जाया करेगा। वैसे भी ये खूबसूरत ही है, इसका जो काम दूसरा है, उड़ाने वाला काम ही वैसे खूबसूरती के यानी हिसाब से थी, बहुत खूबसूरत है खूबसूरती के हिसाब से। लेकिन बाकी मामला जो पॉइंट हो गया ना, उसमें वो इसमें अच्छे नहीं है।
ये भी सेठ वाली कैटेगरी में यरकानी आंखों को स्पॉट इसमें भी हुई है, ये देखना क्या खुल गई पीछे से, इसका सारा मांस वगैरह नजर आ रहा है। इस तरह के कबूतर ना बच्चे जाया करते हैं। अच्छा। चले तो सारे जाते हैं लेकिन ये 100% चले जाते हैं। ये भी समझ लें कि है तो बड़ी खूबसूरत लेकिन है ये भी ऑप्शन वाली, ऑप्शन रखनी है तो फिर नहीं रखनी। हाँ वो तो एक बार लगा रहे थे निशान, बदन की थोड़ी मुलायम है। लेकिन ये है अकलमंद कबूतरी, इसमें फाड़ नहीं है वो वाला ना। इसकी आँख की ग्रिप देखना, इसकी आँख भी पलकों से ऐसे जैसे बाहर है, ऐसे भी आप देखेंगे ना तो यूँ आपको महसूस होगा ऐसे देखने से पलक से बाहर आ रही है आँख इसकी, काफ़ी अकलमंद होती है। ये बेहतर है, ये उड़ाने के इस्तेमाल में आ जाएगी। मादी है ये भी? ये नर है, ये अभी साफ है। ये घर का कहीं से आया है? नहीं नहीं घर का भी। उड़ाने वाला ठीक है, जोड़ों वाला नहीं, इसको उड़ा लें। इसके बारे में बताना अभी करके, ये पठन हम लोग अभी पगाड़ को बना दिया। पठा ये लग तो पटी रही है, पठा वो बोलता तो रहता। अच्छा शक्ल इसकी मादियों जैसी है, तो ये भी मीडियम कैटेगरी में है। वो अच्छा मीडियम कैटेगरी में, वो डिब्बे को मेरे लोग ज़्यादा होगा। नहीं नहीं बहुत सही है इसमें, एक बार तो ये भी नहीं अच्छा निकला हुआ बच्चा, इसके पर भी नहीं अच्छे, ये देखना आगे से कम खा रहे हैं, तो फलों की शेप भी ठीक नहीं, और इनमें ये खुलाव भी ज़्यादा पैदा हो रहा है सारे फलों में, ये ठीक नहीं है, और बदन का भी नहीं अच्छा है। तो टैडी के उतरों में से, लेकिन ये बदन का बहुत सख्त है। ये पकड़ेंगे ना आप इसके हाथ करें नीचे, ऐसे हो जैसे छुरी को फेर रहे हैं आप नीचे, सख्त कैटेगरी में आ जाता है थोड़ा। ये भी इतनी अच्छी नहीं है टैडी मादी है, वो तीन चार कबूतर आपके बड़े अच्छे आए हैं बीच में ना, एक मादी जो जोन से टैडी बड़ी अच्छी आई है। तो बाकी ये है कि बाकी टाइम जो है बेहतर चंद अच्छे रखें।